जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और आज आपके लिए लेकर आया हूं रेस्क्यू नोट, जान बचाने वाली गांठे, जान बचाने वाली गांठे। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन है, फायर में रोप नहीं बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, रोप उसको बोलते हैं जो कंपनी से एक बंडल तैयार होकर आता है, जिसकी ना तो लंबाई पता होता है ना जिसका डायामीटर पता होता है। लाइन किसको बोलते हैं? जिसकी जिसका डायामीटर भी पता होता है, लंबाई पता होता है, और काट कर किसी विशेष कार्य के लिए रखी जाती है, उसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन में मेरे पास ये देखिए मेन पार्ट है, और ये इसका स्टैंडिंग पार्ट है, और नीचे जो पड़ा हुआ है उसको डेड पार्ट बोलते हैं। तो रेस्क्यू नोट्स के अंदर सबसे पहले जो नोट्स मैं आपको बताऊंगा, और एक नोट बताऊंगा मैं आपको, बो लाइन। देखिए ये बो लाइन है यहाँ पे, ठीक है। जब कैजुअल्टी होती है, कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए लाते हैं, लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ को घुमाया है, और ये इसके अंदर इसको घुमा दिया है, इसको बोलते हैं बो लाइन। ये कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारने काम आती है। जल्दी से आपको कभी भी कैजुअल्टी मिल जाती है फायर फाइटिंग के दौरान, तो आप बो लाइन लगाते हैं। एक होता है रनिंग बो लाइन। देखिए मैं ये रनिंग बो लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए, जितने भी फायर फाइटर नौजवान मुझे देख पा रहे हैं, ये देखिए रनिंग बो लाइन है। कोई पानी के अंदर बहती हुई कैजुअल्टी, कोई पशु कोई जानवर जा रहा है, तो आप रनिंग बो लाइन लगाते हैं, और रनिंग बो लाइन को ऐसे फेंक सकते हैं, ये लूप उसके किसी भी हिस्से में चली जाती है, तो आप कैजुअल्टी को या किसी जानवर को फेंक सकते हैं। मैंने दो बता दी है आपको, बो लाइन बताया है, रनिंग बो लाइन बताया है, और नेक्स्ट मेरी नोट होगी चेयर नोट। या आप चेयर नोट देख लो कैसे लगती है, या चेयर नोट आप देख लीजिए। एक लूप बाहर से बनाया, एक लूप अंदर से बनाया, एक लूप बाहर से बनाया, एक लूप अंदर से बनाया, और दोनों को मिलाया। और ये देखिए मेरी पोजीशन देखिए बनाने की, ठीक है। ये चेयर नोट है जो किसी कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारने काम आती है, और चेयर पे देखिए इसके दोनों तरफ हाफ इंच लगती है, ये हाफ इंच मैंने इसको दोनों तरफ लगाया है, ऐसे ही हाफ इंच इसके इधर भी लगाएंगे। ये चेयर नोट है, ये देखिए दोस्तों, ये चेयर नोट बन जाती है। एक हिस्सा मेरे, एक हिस्सा आपके हिप्स पे आ जाएगा, और एक हिस्सा आ जाएगा आपके बगल के नीचे। तो हम किसी भी कैजुअल्टी को एक रस्से छोड़ते रहते हैं, एक रस्से को नीचे से साइड में करते रहते हैं, जैसे रास्ते में कोई छज्जा या कुछ आ जाता है तो आप उसको साइड कर सकते हैं। ये मैंने चेयर नोट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ रेस्क्यू नोट, जिसका नाम है ड्रा हिच, जिसको चोर गांठ भी बोलते हैं फायर फाइटिंग में। देखिए दोस्तों, गांठ का भी एक अपना रोल होता है। देखिए ये सेल्फ रेस्क्यू नोट ड्रा हिच, इसको चोर गांठ बोलते हैं। ये देखिए मैंने लूप बनाया, लूप बनाने के बाद मैं ये रस्सा इधर से लिया, और ये इधर से लिया, और ये इसको लेके मैंने यहाँ पे कर लिया। और देखिए ये सेल्फ रेस्क्यू नोट, ये गांठ लग सकती है, और गांठ लगने के बाद में आपको ऊपर से नीचे उतरना है, और एक रस्से से पकड़ के नीचे उतर सकते हैं, लेकिन फिर रस्सा भी लेके आना है, जिसको ड्रा हिच बोलते हैं। तो आप दूसरे रस्से को खींचेंगे, और रस्सा भी नीचे और आप भी नीचे, लेकिन गलती से उतरते समय अगर आपने दूसरा रस्सा जो उनसे खोलने वाला है वो खोल दिया तो आप गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट गांठ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बोलाइन ऑन द वाइट, जो चेयर पे कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारने के काम आती है। वो लाइन ऑन द वाइट देखिए, ये रस्से को डबल दो लूप में बनाया, और लूप में बनाने के बाद इसके अंदर से घुसाया, और फिर इसको यहाँ पे कर दिया, इसको हम बोलते हैं वो लाइन ऑन द वाइट। ये वो लाइन ऑन द वाइट गांठ है, जो कैजुअल्टी को स्ट्रेचर पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उतारने के काम आती है। दोनों तरफ इसको लगा देते हैं, और स्ट्रेचर पे कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतार सकते हैं। तो मैंने रेस्क्यू की दोस्तों आपको पांच नोट बताई हैं। नंबर एक नोट बताई है बो लाइन, जो कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारने काम आती है। रनिंग बो लाइन, बहती हुई कैजुअल्टी या पशु जानवर को रेस्क्यू करने के काम आती है। तीसरी बताया चेयर नोट, जो किसी कैजुअल्टी को चेयर पे बिठा के हिप्स पे और बगल के नीचे से निकालते हैं, ऊपर से नीचे उतार सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सेल्फ रेस्क्यू ड्रा हिच, इसको चोर गांठ बोलते हैं, ऊपर से नीचे भी उतरना है और रस्सा भी लेके आना है। और नेक्स्ट बताया वो लाइन ऑन द वाइट, जो स्ट्रेचर पे लगाते हैं, जो कैजुअल्टी को स्ट्रेचर पे ऊपर से नीचे उतारने काम आती है, उसको वो लाइन ऑन द वाइट बोलते हैं।
और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।